चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वीवो वी 27 प्रो में रीसेट कैसे करें। अगर आप भी एक मोबाइल रीसेट करना चाहते हैं वीवो वी 27 वीवो वी प्रो, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रीसेट कर सकते हैं। अगर आप रीसेट करने के चाहते हैं तो आप इजीली रीसेट कर सकते हैं। चलिए, कैसे रीसेट किया जाता है अपने हैंडसेट को आज इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। तो पहले नंबर आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने से आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो इस तरह से लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, आज हम जानेंगे कि वीवो वी 27 और वीवो वी 27 प्रो को रीसेट कैसे करें, कैसे रीसेट किया जाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आप रीसेट करते हैं। रीसेट करने के लिए आपको सेटिंग पर ओपन हो जाना है। ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते नीचे की ओर आ जाना है, और आपको नीचे जे आपको स्क्रॉल करते नीचे की ओर आते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। जिस ही आप आते हैं तो यहाँ एक सिस्टम के एक ऑप्शन मिलती है, सिस्टम वाले पर क्लिक कर देना होगा। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। देख सकते हैं ग्लोबल सर्च, मिल्टू टर्फ, लैंग्वेज इनपुट, डाटा टाइम, बैकअप, रिस्टोर, रीसेट, यहाँ आपको मिल जाती है। तो हमें क्या करना होगा, बैकअप रीसेट पर पहले क्लिक कर देना होगा। बैकअप रीसेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए बैकअप रीसेट, बैकअप यूपी डाटा आपको मिल जाती है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से सिर्फ आपको डाटा ये दिख जाता है कि आपका अकाउंट और स्टोरेज में इतना अभी तक फुल हुआ है, इतना अभी बाकी है, ठीक है। यहाँ कोई रीसेट का ऑप्शन नहीं होता है, ये केवल आपको बैकअप मतलब होता है कि अगर आपका फ़ोटो वोटो ये है तो सिर्फ डिलीट हो जाएगा और बाकी चीज़ ठीक ठाक रहता है, आपका पूरा मोबाइल रीसेट नहीं हो पाता है अभी यहाँ से। तो हम एक बार बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए रीसेट ओपनिंग का ऑप्शन मिलती है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, यानी यहाँ चार तरह का रीसेट मिलता है। हम चारों आपको बारीकी से बता देते हैं ताकि आपको कोई समझने में या चाहे आपको रीसेट करने में कोई प्रॉब्लम या असुविधा ना हो। देखिए, फर्स्ट में आपको जो मिलती है रीसेट वाईफाई मोबाइल ब्लूटूथ, ये आपका मोबाइल ब्लूटूथ आपका ये वाईफाई रीसेट होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में आपको मिल जाता है रीसेट ऐप परफॉर्मेंस, अगर आपका कोई फालतू या कोई ऐसा ऐप होगा जो कि उसमें बहुत सारे आपको मोबाइल में है, नहीं डिलीट हो रहा है, तो इस वजह से आप इसे दूसरे वाले पर क्लिक करते हैं तो ऐप ऐप परफॉर्मेंस, तो आपका ऐप जितना होगा वो डिलीट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, आपका डाटा वाटा सारा चीज़ हर चीज़ आपका रहेगा। उसके बाद तीसरा मिल जाती है रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है। तो ऑल सेटिंग मतलब आपका कुछ ही आपका मतलब सारा चीज़ डिलीट नहीं होगा। उसके बाद अगर सारा चीज़ डिलीट करना है तो इरेजर ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ आपका इरेजर दिया हुआ है, इरेजर डाटा, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कि जितना रीसेट होता है, जितना आपका डाटा वाईफाई ये सारे फ़ोटो डॉक्यूमेंट जो भी होगा ये आपका डायरेक्टली रीसेट हो जाता है। रीसेट होने के बाद आपका जो कि फिर एक न्यू तरह मोबाइल हो जाएगा। तो आप इसी तरह वीवो वी 27 प्रो में और वीवो वी 27 में भी सेम टू सेम जो कि दोनों में एक ही है, आप रीसेट कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरा प्रक्रिया बता दिया कि कैसे रीसेट आप कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।